डियर स्टूडेंट्स ऑफ ऑफ क्लास होप ऑल यू आर फाइन फाइन आई एम योर टीचर आयूर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर फोर्टीन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस दिस इज़ आवर वी लेक्चर फर्स्ट लेट्स बिगिन आवर लेसन द स्ट्रगल फ़ॉर इंडिपेंडेंस चैप्टर के नाम से ही जाहिर है कोशिश है आज़ादी के लिए अब लेट्स बिगेन आवर फर्स्ट टॉपिक यूरोपियंस एंड द सब आर यूरोपियंस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एशिया यूरोप अफ्रीका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ओशियाना एंड देन अंटार्कटिका द पीपल हु लिव्ड इन कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप दे आर कॉल्ड यूरोपियंस द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर यानी जो पहला यूरोपी विजिटर या सैर करने के लिए से आया था सब कॉन्टीनेंट में वो कौन थे पुर्तगेजी या पुर्तगाल के रहने वाले ताजिर ट्रेडर्स कहते हैं ताजर को और वो कब आए थे सिक्सटीन सेंचुरी में उन्होंने लैंड किया था वेस्टर्न को मगरबी साहिल इलाके के इंडिया में और वो <coughs> वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे यहाँ पर आकर और ये लैंड या ज़मीन जो सब कॉन्टीनेंट सब कॉन्टीनेंट क्या है जनूबी बर पाको हिंद बर पाको हिंद में पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश ये इलाके शामिल हैं इन्हें इंडिपेंडेंस से पहले आज़ादी से पहले सब कॉन्टीनेंट कहा जाता था अब लैंड रिच ऑफ स्पाइसिस मसाला ज्यादा फ्रूट्स क्लॉथ्स डिफरेंट कलर्स एंड टेक्स्र्स फेब्रिलस ऑर्नामेंट्स यानी शानदार जेवरत और ज्वेलरी एंड लोकल पीपल अब जो लोकल आम लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो ये सयाह आए थे उनसे बहुत ज़्यादा उनका दोस्ताना ताल्लुक था, था और उन्हें उनके साथ उनका सलूक बहुत अच्छा था जो ताज़स थे उन्होंने अपनी चीज़ें बेचीं और यहाँ के लोगों की जो लोकल चीज़ें थीं वो ख़रीदी और वापस यूरोप चले गए जो पहले पुर्तगेज़ी आए थे यानी पुर्तगाल के रहने वाले वो जो सबसे पहले आया था वो था वास्को डे कामा और उसने कहाँ लैंड किया था अपना बहरी जहाज़ कलकत्ता के पर और कब 1498 में उसके बाद 1600 में सर थॉमस रॉ अम्बेसडर अम्बेसडर कहते हैं सफीर को सफ़ीर क्या होता है किसी मुल्क का नुमाइंदा होता है जो दूसरे मुल्क जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है क्वीन अलजबत्थ वन के दौर में इंग्लैंड के वो आए थे मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में और उन्होंने उनसे एक चार्टर एक साइन करवाया था कि वो एक कंपनी खोलना चाहते हैं जो बर में जो है तजारत करे तजारत क्या होती है एक जगह से सामान खरीदा और दूसरी जगह जाकर बेचा वो कर सके तो जहांगीर ने बादशाह जहांगीर ने जो मुगल बादशाह था उसने सिक्सटीन हंड्रेड में जो है क्वीन एलिजथ के एम्बेसडर सर थॉमस रॉ को चार्टर पे साइन करके दिए थे कि इंग्लैंड को जो है इजाज़त है कि वो तजारती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोले सून आफ्टर सेवनटीन सेंचुरी मैनी अदर ट्रेडर्स यानी पुर्तगेजी और ब्रिटिश इंग्लैंड के रहने वालों को ब्रिटिश कहते है हैं उनकी देखा थे कि और भी बहुत से अवाम आई जिसमें डच फ्रेंच शामिल थे जिन्होंने बर सगर पाको हिंद में तजारत की एटीन सेंचुरी में मुगल एम्प्रयर्स जो थे उनकी पावर कमज़ोर हो गई और मुग़ल जो है वो कमज़ोर हो गए और जो छोटे छोटे राजपूत और मराठा और सिख रूलर्स थे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी जब मुग़लों की ताकत जो है वो कमज़ोर हो गई मुगल बादशाहों की तो मराठा राजपूत और सिखों ने मुग़ल हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और मुख्तु इलाकों पर कब्जा कर लिया अब जब अंग्रेज़ या ब्रिटिश या दूसरी यूरोपियन अवाम ने देखा कि जो बादशाहत है वो कमज़ोर हो गई है तो उन्होंने भी तजारती कंपनियों की हिफाजत के लिए हुकूमत से इजाजत लेकर कुछ फ़ौज रख ली अब जो फ़ौज थी वो आता आहिस्ता जो है उसको बढ़ा दिया गया कि हम जी अपनी तजारती सामान की हिफाजत करें और उन्होंने क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो पॉलिटिकल इन्वॉलमेंट शुरू कर दी और जहाँ वो देखते थे कि बादशाह किसी सूबे का गवर्नर या वजीर कमज़ोर गवर्नर कमज़ोर है तो उस इलाके पर हमला कर कर कब्जा कर, कर लेते थे और जिसका नतीजा ये निकला हाँ मुगल मोहल हकूमत आहिस्ता ख़त्म होती गई और अंग्रेज़ों का ब्रिटिश का और फ्रेंच का यूरोपियन अवाम का कब्ज़ा जगत बाकूँ हिंद में सब कॉन्टीनेंट में जो ट्रेडर्स के लोग तो में आए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर हासिल की अब जो ब्रिटिश यहाँ रहे उन्होंने सौ साल की उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी की सब कॉन्टीनेंट में सबसे अहम लैंग्वेज आर्किटेक्ट कहते हैं इमारतें बनाने के फन को पॉलिटिक्स और डिफरेंट आइडियाज़ भी दी उन्होंने रोड्स बनाए अब हमारे जो रेलवे का निज़ाम है वो अंग्रेज़ों या ब्रिटिश के दौर से ही आया वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई स्कूल कॉलेज बनाए अब उन्होंने सौ साल हकूमत की अब मुग़ल बादशाहों के उन्होंने जला वतन कर दिया और पूरी बड़ सहित पर कब्ज़ा कर लिया द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या जंग आज़ादी 1857 अब क्या हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी फ़ौज के ज़रिए ये जो है पूरे बड़े शेरपा को हिंदवर मज़ा कर लिया अब जो फ़ौज थी उसमें ज़्यादातर लोग क्या से थे सिख हिंदू और मुसलमान अब फौज में उन्हें एक ऐसी जो है बंदूक दी गई जिसके कारतूस जो है वो गाय और मुसलमानों के लिए हराम जानवर जो है उसकी चर्बी उसके ऊपर से उसको ग्रीस किया गया था और उसका खोलने का तरीका ये होता था कि बंदूक में कारतूस डालने से पहले उसको मुँह से खोला जाए अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस थी और जो है वो गंदा जानवर मुसलमानों के लिए हराम था इसलिए जो मुसलमान और हिंदू थे उनके मजबी जज्बात जो है मजरूब होते थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू की कर दी और ये बगावत इतनी फैली कि पूरे मुल्क में फैल गई और जंगी आज़ादी का आगाज़ हो गया इस उस वक्त के मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की फौज भी इसमें शामिल हो गई और उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया लेकिन कि मुसलमानों की और बड़े सही के लोगों मुसलमान हिंदू और सिखों की फौज जो है वो मुनम नहीं थी उनके पास लेटेस्ट इस वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस के नतीजे में जो है वो बर सगीर की अकवाम को शकस का सामना करना पड़ा और पूरे बर सग़ीर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और जो आखिरी मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफर उसे जिला वतन करके एक्साइल का मतलब होता है जिला वतन का नाम रंगून भेज दिया गया उसके शहजादों को और पोते पोतियों को कत्ल कर दिया गया और बर सगीर पाकों हिंद पर अंग्रेज़ों का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया और ये वॉर जो है एटीन फिफ्टी सेवन में शुरू हुई और एटीन फिफ्टी एट पर हम ख़त्म हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह रिलाइस किया कि सब कॉन्टीनेंट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने रेलवे लाइन बचाए टेलीग्राफिक सिस्टम बनाया और बहुत से ज़्यादा डेवलपमेंट की दिस इज़ आवर फर्स्ट वी एन लेक्चर वी बिगेन आवर नेक्स्ट वी एन लेक्चर इन नेक्स्ट वीक